नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमें नवी मुंबई के कोपरी गांव में हनुमान मंदिर में महीनों तक कोरोना महामारी और कोरोना के कारण लगाए गए लॉकडाउन में मंदिर बंद रहे, जिसके कारण भक्त अपने भगवान से मंदिर के रास्ते बंद हो गए थे। भक्तों को भगवान के दर्शन नहीं मिल पा रहे थे। कोरोना महामारी के चलते सरकार कह रही थी कि अगर हम मंदिर चालू करेंगे तो महामारी और फैलेगी, और भक्त मंदिर खुलवाने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे थे। बीजेपी ने तो घंटानाद आंदोलन के माध्यम से कई बार सरकार से मंदिर खोलने का आह्वान भी किया, लेकिन सरकार ने उनकी मांगे कभी नहीं मानी। सरकार का कहना था कि जब तक महामारी का प्रकोप कम नहीं होता है तब तक हम मंदिर नहीं खोलेंगे। यही कारण है कि आज जब देश में लगातार महामारी के केसेस कम आ रहे हैं, कोरोना के कारण पीड़ित लोगों की संख्या कम हुई है, एक्टिव केसेस भी आज देश में कम हैं, दुनिया में इस वक्त हम 5वें नंबर पे हैं, बल्कि एक समय ऐसा था कि हम दूसरे नंबर पे पहुंच गए थे, आज हमारा 5वां एक्टिव केसेस में स्थान है, इसलिए मंदिर खोलने का निर्णय लिया गया है। अब देखते हैं कि भक्तों में उत्साह वैसा ही है या कुछ कम पड़ा है, या उनका उत्साह बढ़ गया है, क्योंकि इस बार जो मंदिर उन्हें खुले मिले हैं वो काफ़ी संघर्ष के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद मिले हैं। आइए बात करते हैं मंदिर के पुजारी से। सर, करीब 8 महीने तक मंदिर बंद रहे जी, इस दौरान आप लोग मंदिर खुलवाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करते रहे, आज ये मंदिर खुल गया तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मंदिर खुलने से, और भक्तगणों भी आ रहे हैं अपने मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, तो हम लोगों ने व्यवस्था करके भी रखी है सैनिटाइजर की, और वो मशीन रहती है वो भी मशीन रखी है। सब भक्तगणों से निवेदन है मेरा, कल मास्क पहन के ही आते हैं और 6-6 फुट की दूरी बनाए रखते हैं। और मंदिर में उनके लिए क्या क्या सुविधा है प्रसाद को लेकर के? प्रसाद को भी रखे हैं, प्रसाद अकेले नहीं देते, कोई लेता नहीं लेता, कोई प्रसाद का सिस्टम बंद है। और इतना जो आप लोगों ने संघर्ष किया, आपके साथ में जो लोग रहे संघर्ष में, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बारे में हम यही कहेंगे कि धन्यवाद करेंगे जिनने संघर्ष दिया है मंदिर के लिए खुलवाने में। आपको क्या लगता है आखिर इतना दिन क्यों लगे मंदिर खोलने के लिए, क्योंकि मंदिर में तो ऑलरेडी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता रहा है? जी, तो सब कोरोना की वजह से, महामारी की वजह से होता रहा है, कोरोना के अपने भारत अपना जो दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र था। आपको क्या लगता है अभी मंदिर खोल के अच्छा किया या फिर अभी भी, क्योंकि कोरोना तो गया नहीं है, कोरोना तो अभी भी है, तो क्या अभी भी मंदिर खोल के अच्छा किया, अभी भी बंद रहने चाहिए थे? अभी तो अच्छे ही किए हैं, अपना नहीं है, अब अपनी दूरी पे अपनी शरीर की सुरक्षा भक्त करो अपने खुद करेंगे। मंदिर खुलने के बाद हमें बहुत बहुत बढ़िया, मतलब मन को शांति मिला है, बहुत खुशी हो रही है कि बहुत अच्छा है कि मंदिर खुला है, भगवान का दर्शन करने को मिलता है, मन को शांति मिलता है, बहुत अच्छा है। इतने दिनों तक मंदिर बंद रहा तो आपको क्या? बहुत दुख होता था, इधर खिड़की इधर ग्रिल के ऊपर आगे हाथ जोड़ के जाते थे और ऐसा लगता था कि भगवान कैद हो गए। अभी मंदिर खुलने के बाद ऐसा लगता है वाह मज़ा आ गया, ऐसा भले 2 मिनट दर्शन करके भी जाए मन को बहुत शांति मिलता है। मैं तो बोलता हूँ सब मंदिर खुलना चाहिए डिस्टेंस के हिसाब से, जैसा एरिया है वो हिसाब से। दिनों तक मंदिर बंद रहे, आज खुले, आप लोगों को कैसा उत्साह महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है और खुलना चाहिए, ज़रूरी था, क्योंकि भक्त लोग आते थे बाहर से चले जाते थे देख के भगवान को और ऐसे चले जाते थे। लोग कहते हैं कि भगवान तो दिल में है, मन में है, कणकण में है, फिर मंदिर खोलने की क्या जरूरत थी? देखो वो सब जगह है, ये जो मंदिर में जाके जो आपको मज़ा मिलती है, जो मिलता है भगवान का सारा, वो आपके दिल से नहीं मिल सकता है। वो मंदिर जरूरी था क्योंकि वो सबकी आस्था है, तो घर अपने एक के अंदर एक ही रहती है, तो दुनिया के अंदर सबको मिलना चाहिए, वो तो बहुत जरूरी है ना। तो इस वक्त हमें नूरुल इस्लाम मस्जिद के पास, यहाँ पर ये माता जी हैं जो पैर से विकलांग है, जो चल फिर नहीं सकती, उठ भी नहीं सकती, इनकी रोजी रोटी का एकमात्र साधन मस्जिद के बाहर बैठकर भिक्षा मांगना है, इसी से इनका परिवार भी चलता है, इनके बच्चे भी हैं छोटे छोटे, और इतने महीनों तक लॉकडाउन था, मस्जिद बंद थी, इसके कारण इन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। आइए इनसे खुद जानते हैं कि इन्हें लॉकडाउन में कैसी समस्याओं से गुजरना पड़ा, और अब जब मस्जिदें खुल गई हैं तो इन्हें कैसा लग रहा है? मेरा रोजी रोटी नहीं चल रही है, ये मस्जिद 8 महीना से बंद है, मैं मांग के खाते, बाल बच्चा पालते, आदमी भी नहीं है। लॉकडाउन में आपको किस तरह की समस्या हुई, आपने आपकी किसी ने मदद की क्या लॉकडाउन के समय? नहीं, कुछ कोई भी मदद नहीं करती है।
तो आप परिवार कैसे चला रही थी? मैं मांग के चला रही है, क्या करूँ, बोट बोट के भी आ रही है, फिर साइकिल से आ रही है। लॉकडाउन में तो मस्जिद बंद थी, फिर आप कहाँ मांगने जाते? इधर आती है, रास्ता के पब्लिक लोग 10-5 रुपए देती है, वैसे में चलाती है। और अब जब मस्जिद खुल गई है तो आपका कुछ फायदा हुआ क्या? हो रही है, 10 भाई दे रही है, नमाजी लोग दे रही है, 10-20 रुपया करके देती है, खाती है। मैं मतलब मस्जिद खुलने से आपका फायदा हुआ है? हाँ जी हाँ। इस तरह आपने देखा कि भक्त काफ़ी खुश हैं, उनमें काफ़ी उत्साह है, वो चाहते हैं कि मंदिर खुले रहें, क्योंकि इससे ना केवल उनका भक्त और भगवान का संबंध बना रहता है बल्कि कई लोगों का व्यवसाय भी चलता है, इसलिए मंदिर खुले रहने चाहिए, और इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र सरकार का धन्यवाद भी किया है। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।